कार खरीदना हर मिडिल क्लास बंदे के लिए या कोई भी बंदे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। डिसअपॉइंटमेंट तब होता है कि जब हमें पैसे दे के भी अच्छी चीज ना मिले, चाहे आप ज्यादा पैसे देके खरीदे या कम पैसा देके। यही एक इशू हुआ था, एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिस प्रोजेक्ट में कंपनी ने बहुत सारी उम्मीदें जगाई थी मगर खड़ी नहीं उतरी। आप सभी को वो प्रोजेक्ट फेलियर के बारे में तो पता ही होगा, बट आज हम बात करेंगे कुछ मेजर इशू के बारे में जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गई। तो अगर आपको जानना है तो ये वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक बासवर, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच व्हील्स। जो हमें आज ये चैनल पे नए देख रहे हैं वो जाके प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जैसे कि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टाटा नैनो, मिस्टर रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो कार 2008 के ऑटो एक्सपो में डेब्यू किया था। ये कार का जो विजन था या ये प्रोजेक्ट का जो विजन था वो था सेफ और साथ ही साथ मॉडर्न मोबिलिटी प्रोवाइड करना सिटीजन्स को। जो इंडियन सिटीजन्स अभी भी बाइक या स्कूटर्स में ट्रैवल करते हैं, हम सभी टाटा नैनो की याद करते हैं फॉर ऑल द बैड रीजंस, क्योंकि वो कार जितना क्लेम करती थी टाटा मोटर्स उतना प्रोवाइड नहीं कर पाई सिटीजन्स को, इसलिए एक कार को हमने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। स्ट्रेटेजी वाइज ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नहीं थी क्योंकि इनका जो डीलरशिप नेटवर्क था ना वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा था, मगर जो टारगेट ऑडियंस था वो रहते थे टाउन और विलेजेस में। तो आप टारगेट ऑडियंस रखोगे टाउन और विलेजेस में और डीलरशिप नेटवर्क करोगे अर्बन एरियाज में तो कैसे चलेगा प्रोजेक्ट? जो टाउन और विलेजेस के जो ऑडियंस थे वो कार के एक्सपीरियंस से फेमिलियर ही नहीं थे, तो कैसे कार या ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक्सेप्ट करते, इसलिए स्ट्रेटजी वाइज ये प्रोजेक्ट खड़ी नहीं उतरी। ये प्रोजेक्ट का जो मेन विजन था वो था टू व्हीलर्स को रिप्लेस करना, मगर आप जो लोग टू व्हीलर्स चलाते हो वो जानते ही होंगे ट्रैफिक में टू व्हीलर्स मेंटेन करना कितना ईजी होता है, ऊपर से इसका पार्किंग का इशू भी नहीं रहता। हालांकि टाटा नैनो दिखने में छोटी थी पर थी तो कार, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना जो टू व्हीलर्स चलाते हैं उनके लिए थोड़ा सा नामुमकिन हो गया था। ऊपर से बाइक या स्कूटर मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो कम था, टाटा नैनो का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा था। ऊपर से टाटा नैनो में कोई भी स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं थे जो कार को अप टू द मार्क बनाते, इसलिए कार दिखने में थोड़ा सा चीप हो गई थी। तो आप उतने पैसे दे के एक चीप लुक वाली कोई भी व्हीकल नहीं लेते, बाइक उससे ज़्यादा दिखने में अच्छी होती है, इसलिए टाटा नैनो प्रैक्टिकली उतनी अच्छी नहीं थी। पोजिशनिंग एज चीप, इसका मतलब ये है जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी इस कंपनी ने बोला था ये चीपेस्ट कार इन इंडिया। ये जो चीप वर्ड है ना इसका ट्रांसलेट होता है लो क्वालिटी। अगर आप किसी भी कार को या किसी भी प्रोजेक्ट को जब चीप बोल देते हो ना इंडियन मेंटेलिटी में वो चीप हो जाता है लो क्वालिटी, इसलिए टाटा नैनो ये चीप वर्ड के संग मैच नहीं कर पाई। अगर आप कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो आपका ये विजन होता है कि अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और उसमें चार लोग देखे तो ज़रूर, अगर आप उतने पैसे देकर कोई भी कार या बाइक ले रहे हो, अगर ये दिखने में ही चीप है या सुनने में ही चीप है तो कैसे कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है? पुअर बिल्ड क्वालिटी, ये कार को जब यूरो क्रैश टेस्ट में टेस्ट किया गया था NCAP में तब इस कार को 4 स्टार मिला था, मगर जब इसी कार को 2014 में जर्मन एक ऑटोमेकर क्लब ने टेस्ट किया ADAC ने तब ये कार पूरी तरह से फेल होगी, क्योंकि ना इसमें एयरबैग थी, ना एडल्ट सेफ्टी थी, ना चाइल्ड सेफ्टी थी, ऊपर से UN सेफ्टी रेटिंग्स में भी ये फेल हो गई थी। जो ऑटोमोस्ट जो कंपनी क्लेम करती थी वो इंडियन बायर्स को मिली ही नहीं। इसकी प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा इशू आ गया था। आप सभी को पता है टाटा नैनो प्रोडक्शन होने वाली थी वेस्ट बंगाल में, मगर कंपनी ने किसी वजह से इसको फिर गुजरात में शिफ्ट किया। गुजरात में शिफ्ट होने के बाद इसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कम हो गई, तो इंडियन बायर्स जब खरीदने जाते थे टाटा नैनो उनको मिलती नहीं थी क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं थी, किसी के जगह तो बुक भी नहीं होती थी ये कार। तो प्रोडक्शन के चलते ये टाटा नैनो इंडियन बायर्स के साथ मैच नहीं कर पाई। टाटा नैनो को मार्केटेड किया गया था 1 लाख रुपी कार, मगर आप में से जो लोग टाटा नैनो खरीदे होंगे किसी ज़माने में उनको पता है टाटा नैनो की टॉप वेरियंट आती थी 3 लाख में। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है ना वो इंडियन बायर्स को लगा कि ये कंपनी हमसे झूठ बोल रही है, कंपनी ने जितने में वादा किया था उतने में कार हमको दे ही नहीं रही है, तो कंपनी और कस्टमर के बीच ये विश्वास कभी बन ही नहीं पाया। मगर हम ये भूल जाते हैं टाटा मोटर्स वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट
फेल होने के बाद भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और हमारे सामने टाटा हैरियर, टाटा सफारी, टाटा नेक्सॉन, टाटा एल्ट्रोस और अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कतार लगा दी है इन्होंने। तो टाटा मोटर्स हमेशा से अच्छी दे आ रही है और आगे भी देगी, एक प्रोजेक्ट फेल हो ही सकता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है टाटा नैनो के साथ और आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे कोई अच्छी सी टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।